वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन एक्को बॉय बैक विद अ न्यू टर्टल वीडियो। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्टल एमबीडी यानी मेटाबॉलिक बोन डिजीज। काफ़ी लोगों ने मेरे साथ कंसर्न शेयर किया है कि उनके टर्टल का शेल सॉफ्ट हो रहा है या उनके लेग्स वीक हो रहे हैं या उनके लेग्स पे थोड़े बम्स आ रहे हैं। तो ये सब होता है मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ की वजह से। अब ये डिजीज़ होती क्या है मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली ये तब होता है जब अगर टर्टल की बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल का इम्बैलेंस होने लगे या मेनली लैक ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। तो क्योंकि कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टर्टल की बॉडी में इन टर्म्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज और एक नर्व ट्रांसमिशन में काम करता है, जिसका मतलब अगर टर्टल की बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है तो इट कैन लीड टू अ वेरी बिग प्रॉब्लम, जिससे कि उसको काफ़ी बीमारियाँ आने लगती हैं। अब मैं आपको कुछ सिम्टम्स दिखाता हूँ जो मेटाबॉलिक डिजीज़ के होते हैं। मैं आपके साइड बाई साइड उसके पिक्चर्स भी दिखाऊंगा ताकि आपको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएं कि अगर आपके टर्टल को ये डिजीज़ के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप उसको इमीडिएटली कैसे रेक्टिफाई करें। चलिए अब बात करते हैं कि टर्टल के जो सिम्टम्स आते हैं जब उनको मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ होता है। तो सबसे पहले होता है कि उनके जो लेग्स हैं वो स्वेल होते हैं। सेकेंड, जो उनका स्पाइन होता है या बैक जो होती है वो आर्च होने लगती है, डिफॉर्म होने लगती है। फिर आता है कि उनके जो लिम्स हाथ पैर जो वीक हो रहे हैं, तो आप बताते हो कि वो ढंग से चल नहीं पा रहे हैं या क्लाइम नहीं कर पाते। चौथा जो काफ़ी कॉमन है और काफ़ी लोग बताते हैं कि प्लास्ट्रॉन एज इन उनका लोअर शेल टर्टल का या कारापेस एज इन यार उनका अपर शेल जो सॉफ्ट होने लगता है। और लास्ट कि उनका जो उनका जॉ है वो रबर टाइप होने लग गया है या काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेटाबॉलिक डिजीज़ होता क्यों है या क्या रीज़न है। तो सबसे पहला कॉमन रीज़न है पुअर डाइट, जिससे उसको कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा लैक ऑफ विटामिन डी इन द बॉडी। अब विटामिन डी का रोल ये है कि विटामिन डी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, एज इन जो विटामिन डी बॉडी में होती है वही हेल्प करती है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में बॉडी में। अगर विटामिन डी नहीं है तो वो प्रॉपरली कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। हालांकि जो टर्टल को कैल्शियम मिलता है फूड सोर्स से, बट वो प्रॉपरली इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो तभी यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि उसको सनलाइट या हीट सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके थ्रू उसको विटामिन डी मिलती है, जिससे हेल्प होती है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में जो वो फूड सोर्स से ले रहा है। इसलिए जब भी आप अपने टर्टल को रख रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपने कुछ हीट लाइट या सनलाइट आप उसको दे रहे हो, बिकॉज अगर वो कोल्ड टेम्परेचर में रहेगा तो उसका डाइजेशन काफ़ी ख़राब सा और इम्बैलेंस सा हो जाता है और स्लो हो जाता है, जो कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी को बिल्कुल ज़ीरो कर देता है। तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं कि अगर ये हम अपने टर्टल को ना होने दें या उनको कैल्शियम हम प्रॉपरली उनको कैसे दें या अपने टर्टल को हेल्दी कैसे रखें। सो सबसे पहले मार्केट में कुछ कैल्शियम टैबलेट्स अवेलेबल हैं। तो अगर वो बहुत क्रिटिकल है, अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप ले सकते हैं, बट मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उन टैबलेट्स पे कभी एक्सपायरी डेट नहीं मेंशन होती। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जब भी अगर कुछ बीमारी है तो हर टाइम हम केमिकल या मेडिसिन पे रिलाई करेंगे तो वो भी टर्टल के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं अब आपको काफ़ी नॉर्मल सा तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आप वीकली उसको अपने टर्टल की डाइट में कैल्शियम को ऐड कर सकते हो और वो आपका टर्टल काफ़ी हेल्दी रहेगा और उसमें कैल्शियम का बैलेंस प्रॉपरली बना रहेगा। तो हमें उसके लिए बस चाहिए एक नॉर्मल सा बॉइल्ड एग का क्रस्ट शेल।
अब मैंने अपने डाइट में लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि अगर बॉयल्ड एग के क्रश शेल्स कैसे खिलाएंगे अपने टर्टल को, दे माइट हर्ट देम, तो उनका ये काफ़ी लॉजिकल सवाल है। तो अब मैं बताऊंगा कि हम बॉयल्ड एग के क्रश शेल को कैसे बना के और टर्टल की डाइट में हम इंक्लूड करें। तो उससे पहले हम चलो अपना एग बॉयल करते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। तो हमारा बॉइल्ड एग रेडी है। आप एग बॉइल करने के बाद इसके शेल को कम्प्लीटली ड्राई कर लें। और बाय द वे, अगर आपने अभी तक मेरा टर्टल डाइट चार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आपका रिफ्लेक्ट हो रही है, आप उसमें क्लिक करके, मैंने उसमें टर्टल की वीकली पूरी डाइट शेयर करी है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो आप प्लीज़ उसको भी चेकआउट कर लें। तो अब हम जो शेल की बात कर रहे थे, अब हम इसको पील करना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने एग के शेल को पील कर लिया है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप कि हम इसको कैसे फीड करें। तो आपको करना क्या है कि जब आप पील कर लें, स्टिल आप इसको थोड़ा सा कम से कम आधा घंटा धूप में या फैन के नीचे छोड़ दें, ताकि उसके शेल में बिल्कुल मॉइस्ट या नमी ना रहे। क्योंकि अब हमें करना क्या है कि हम अपना सा एक छोटा सा मिक्सर जार लेके इसको पूरा डाल के हम इसको ग्राइंड करेंगे प्रॉपरली, और हम इसको बना देंगे एक पाउडर फॉर्म में। तो अभी मैं आपको पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद दिखाता हूँ कि हम इसको टर्टल की डाइट में कैसे यूज़ करें। तो हमने एक्सेल को ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में मैंने बना लिया है इसको। अब आप सोच रहे होंगे कि हम एक्सेल पे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको एक फैक्ट बता दूँ। जो एक्सेल होता है उसमें वो कम से कम 40-50% प्योर कैल्शियम का बना होता है। इनफैक्ट आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, अगर आप एज अ अडल्ट ह्यूमन बींग अगर एक्सेल का हाफ पोर्शन डेली खा रहे हैं, तो वो आपको 1000 mg कैल्शियम प्रोवाइड करता है, जो एक नॉर्मल बॉडी के लिए पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इसलिए ये कैल्शियम से भरपूर होता है, और ये हम अपने टर्टल की डाइट में डालने से उनको काफ़ी हेल्प दे रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको अब कैसे टर्टल को खिलाएं। सो बेसिकली ये पाउडर बन चुका है, तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे मेरे को जो पैलेट्स लेने हैं, तो मैं जो भी पाउडर आप जितना बना के, जैसे कि मेरा ये छोटा बॉक्स है, मैं इसमें रखता हूँ और वीकली इसको फीड करता हूँ। कैसे, जो पाउडर है आपका प्रॉपर, तो अब जैसे कि मुझे टर्टल को फीड करना है, कुछ इतने पैलेट्स फीड करने हैं, तो आप इसको हल्का सा पानी छिड़क लें, मॉइस्ट कर लें, ताकि अभी मैंने मॉइस्ट इसलिए किया कि जो पाउडर है इसका, वो आपका अच्छे से फूड के साथ मिक्स हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा जो पाउडर लग चुका है, एज इन हम इजीली अब कैल्शियम भी फीड कर रहे हैं अपने टर्टल्स को, जो हम कुछ इस तरह। तो ये तरीका है जिससे आप इजीली अपने टर्टल की डाइट में कैल्शियम को इंक्लूड कर सकते हैं, और ये हेल्दी रहेंगे। इनके बोन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनका प्लास्ट्रॉन और कारापेस जो अपर सेल, आप देख सकते हैं कि कितने मस्त होके ये पूरे कैल्शियम पैलेट्स भी खा रहे हैं, और जिससे ये काफ़ी हेल्दी रहते हैं। जो आपको मैं बता भी रहा था कि मेरे टर्टल्स के शेल काफ़ी हेल्दी हैं, उसका रीज़न यही है कि मैं उनको वीकली वंस ऐसे ही इनको कैल्शियम भी खिलाता रहता हूँ, जो घर में आराम से बना रहा हूँ। आई होप मेरे जितने टर्टल लवर्स हैं उनको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आप जितना उस वीडियो को लाइक कर रहे हैं या कमेंट करके आप बता रहे हैं, आप अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो मेरे चैनल को हेल्प मिलेगी ग्रो होने के लिए। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट आप बनाए रखें। और मेरे जितने नए व्यूअर्स हैं, तो मैं ऐसे ही टर्टल एक्वेरियम फिश पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। टिल देन एवरीवन, स्टे हैप्पी।